हाय गाइस, तो आज आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ V29 5G स्मार्टफोन और इस वीडियो में इस मोबाइल के मजेदार हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स से। अगर आपने भी ये स्मार्टफोन खरीदा है या फिर इसको खरीदने की सोच रहे हो ना, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इसके मजेदार फीचर्स जानने के बाद में आप खुद बोलोगे भाई मजा आ गया। और आता है मजा तो दबा दीजिएगा सब्सक्राइब का बटन। गाइज, क्या आपको पता है अभी शादियों का सीजन चल रहा है और उसी के रिगार्डिंग इस स्मार्टफोन में एक मजेदार फीचर्स मिलता है। पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर स्टाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पर मिलेगा वेडिंग स्टाइल पोर्ट्रेट मोड, जिसके अंदर फोटो क्लिक करते हो तो भाई काफी ज्यादा मजेदार फोटो देखने को मिलती है। और ये वेडिंग स्टाइल पोर्ट्रेट फ्रंट और रियर दोनों में मिलता है। इसके ऊपर दूसरी बार क्लिक करते हो तो इफेक्ट चेंज हो जाता है। इसमें आपको कुल 3 इफेक्ट मिलेंगे और तीनों में ही मजेदार फोटो आती है। और एक इफेक्ट मिलता है लो लाइट पोर्ट्रेट मोड, जिसके ऊपर क्लिक करने पर आपको अलग अलग इफेक्ट मिलेंगे पोर्ट्रेट कैमरा में, जिसमें हमने काफी सारी फोटो क्लिक की भाई काफी अमेजिंग फोटो आती है। इसी स्मार्टफोन के अंदर आप वीडियो के अंदर बोके मोड में वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो। वीडियो के अंदर आना है, एपर्चर के ऊपर क्लिक करना है और बैकग्राउंड में ब्लर कितना करना है कम ज्यादा वो यहां से एडजस्ट करके आप बोके मोड में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। अगर आप भी इस स्मार्टफोन को और मजेदार बनाना चाहते हो या फिर इसको कमाल का दिखाना चाहते हो, तो इसमें नए नए फीचर्स एड किए वीवो ने। सिंपली आपको आना है मोबाइल की सेटिंग में, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, जिसको यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में इसमें काफी कमाल की वॉचेस देखने को मिलती है, इमोजी देखने को मिलते हैं। जैसे अभी हमने ये वाला सेट करके रखा है, अब इसको जैसे ही अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद में स्मार्टफोन को लॉक करने के बाद में ये यहाँ पर आपको शाइन शो होगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, जिसमें टाइम, बैटरी परसेंटेज ये सभी भी शो हो जाते हैं। तो इसके अंदर और भी मजेदार इफेक्ट आप यहीं से लगा सकते हो। सिंपली वहीं पर जाना है जिसमें देख सकते हो इतनी कमाल कमाल की वॉचेस देखने को मिल जाती है, जो आप यहाँ पर ऑफ स्क्रीन में सेट कर पाओगे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर खुद का नाम भी सेट कर सकते हो। नीचे आना है, सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है, इंटर द टेक्स्ट। अब आपको यहाँ पर अपना खुद का नेम टैप कर देना है या फिर जो भी टैप करना चाहते हो। जैसे मैं इसने यहाँ पर टैप कर दिया और इसकी साइज को बढ़ा सकता हूँ, नीचे इसको कलरफुल भी बना सकता हूँ। यहाँ पर आपको काफी कलर्स मिल जाते हैं, फिर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद में जब भी स्मार्टफोन ऑफ होगा तो ये भाई खुद का नाम दिखाई देगा ऑफ स्क्रीन पर, तो और भी ज्यादा मजेदार लगेगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा हम डबल टैप करते ही लॉक कर सकते हैं स्मार्टफोन को, डबल टैप करते ही ऑन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नीचे आना है, बैक आना है, स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ के ऊपर क्लिक करके इन तीनों फीचर्स को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में देखोगे आपके स्मार्टफोन में डबल टैप करते ही लॉक हो जाएगा, डबल टैप करते ही स्मार्टफोन ऑन हो जाएगा। और जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रहेगी तो इस तरीके से ऑन होती हुई और भी मजेदार लगेगी। गाइज, अब मेरे काफी सारे भाइयों के सवाल होते हैं कि यार इस स्मार्टफोन के अंदर दो दो फ्लैश लाइट मिलती है, एक है स्मार्ट ओरा लाइट और एक ये डुअल वाली फ्लैश है। जैसे ही हम यहाँ से फ्लैश लाइट ऑन करते हैं तो ये ऊपर वाली फ्लैश लाइट ऑन होती है, नीचे वाली क्यों नहीं? तो इस स्मार्ट ओरा लाइट के मैं मजेदार फीचर्स भी बता देता हूँ और इसका यूज भी। जैसे आप इसको वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट तीनों के अंदर यूज कर सकते हो। इसको कस्टमाइज करने के लिए, इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है या फिर फोटो के अंदर आने के बाद में फ्लैश लाइट के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको फ्लैश ऑटो, फ्लैश ऑन और ओरा लाइट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ओरा लाइट के ऊपर क्लिक करना है। और इसके अंदर देख सकते हो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो और ये ऑटो मोड के अंदर भी कलर चेंज हो जाते हैं। तो अभी ये रेड कलर है तो इसको इधर स्लाइड करोगे तो ये व्हाइट हो जाएगा। और इसका फायदा क्या है, जैसे बैकग्राउंड हम कहीं पर बार के अंदर स्टूडियो में गए हुए हैं तो वहां पर ब्लू लाइट है चारों तरफ, अगर आप यहाँ पर इसके अंदर जैसे फोटो क्लिक करते हो, ये मैंने रेड क्लिक कर दी, अब जैसे सब्जेक्ट की फोटो क्लिक करोगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट रेड दिखाई देगा और बैकग्राउंड के अंदर जो ब्लू लाइट वगैरह होती है वो दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप मजेदार पोर्ट्रेट मोड के अंदर फोटो क्लिक कर सकते हो और पब्लिक प्लेस के अंदर इसको यूज करते हो तो कोई देखेगा तो भाई बोलेगा यार कितना मजेदार स्मार्टफोन है जिसमें लाइट चेंज भी होती है। सबसे ज्यादा मजेदार चीज, इस स्मार्टफोन में दो दो अलग अलग अकाउंट्स है, फोन पे यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह तो सभी में होते हैं लेकिन इसमें तो फोन पे भी डुअल हो जाता है, जिसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, एप्स के ऊपर क्लिक करना है, ऐप क्लोन का ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप इन एप्लीकेशन को डुअल कर सकते हो, तो मैं फोन पे को डुअल कर देता हूं। अब इसके बाद में जैसे ही आप बैक आते हो, बैक आने के बाद में जैसे एक बार मैं इसको इनेबल करवा देता हूं और हो चुका है ओके। अब यहां पर फोन पे डुअल हो चुके हैं तो मैं अलग अलग अकाउंट से, अलग अलग नंबर से एक ही स्मार्टफोन में दो दो फोन पे यूज कर पाऊंगा। अगर आप इस स्मार्टफोन में कोई भी फोटो या एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो
तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको गैलरी में जाना है, यहाँ पर फोटो को ओपन किया, 3 बटन के ऊपर क्लिक करना है और हाइड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से डायरेक्टली आप इस फोटो को हाइड कर पाओगे। अब ये कहाँ पर शो होगी, इसके लिए आपको एल्बम में ही रहना है, सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर जो भी फोटो हाइड की थी आपने, वीडियो वगैरह, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। लेकिन फोटो तो हाइड हो चुकी है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसे तो जो मैंने फोटो हाइड की है वो कोई भी देख सकता है जिसको मालूम हो, तो यहाँ पर आपको बे करना है वेरीफाई पासवर्ड व्हेन व्यूइंग हाइडन फोटोस, इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में आप पासवर्ड सेट कर सकते हो या पैटर्न वगैरह कुछ भी सेट कर सकते हो, तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पर ये वाला सेट कर देता हूँ। फिर आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, वो क्यों, अगर आप ये पासवर्ड भूल जाते हो जो पैटर्न वगैरह सेट करते हो, तो इन क्वेश्चन का आंसर देकर आप इनको है जो फॉरगेट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर इसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, इसी तरीके से आप ओपन हाइड फोटोज देख पाओगे। और जो आपने यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन हाइड करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको सिंपली जाना है मोबाइल की सेटिंग में, और नीचे आने के बाद में आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके नीचे आपको स्लाइड करना है। अब देख सकते हो ऐप के ऊपर लॉक लगा सकते हो, ऐप हाइड कर सकते हो, और यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करने की जरूरत नहीं है, जो फोटो के अंदर आपने पासवर्ड सेट किया था वो ही वेरीफाई यहाँ पर करना है। इसके बाद में जो भी एप्लीकेशन हाइड करना चाहते हो, जैसे मैं फेसबुक को हाइड कर देता हूँ, कन्फर्म ओके, फिर यहाँ पर व्यू हिडन एप्स, इसके ऊपर स्लाइड करके इसको ऑन कर देना है। अब बैक आ जाना है होम स्क्रीन के ऊपर, भाई वो जो एप्लीकेशन हमने हाइड की थी फेसबुक, वो हाइड हो चुकी है। अब वो कहाँ पर शो होगी, इसके लिए आपको मजेदार तरीके से 2 फिंगर से ऊपर स्लाइड करना है होम स्क्रीन पर, और देख सकते हो यहाँ पर वेरीफाई करना है और वो हाइड की थी वो यहाँ पर शो होगी, है ना मजेदार ट्रिक से। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिसके पास में ये स्मार्टफोन है उसको वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस स्मार्टफोन में आप एक साथ में 2-2 एप्लीकेशन भी यूज कर पाओगे, या फिर आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो फिर आपको किसी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आता है, तो आप उसको फ्लोटिंग विंडो में ओपन भी कर सकते हो। सिंपली जैसे मैंने स्नैपचैट को ऑन किया, अब इसके साथ में कोई दूसरी एप्लीकेशन भी यूज करनी है, तो इसको 3 बटन के ऊपर क्लिक करके इसके आइकॉन पर क्लिक करना है, यहाँ पर स्मॉल विंडो का ऑप्शन मिलेगा जिसमें स्नैपचैट कुछ इस स्मॉल विंडो में ओपन हो जाएगा, जिसको यहाँ पर एडजस्ट करके कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो, और नीचे की साइड में आप कोई दूसरी एप्लीकेशन भी एक साथ में यूज कर पाओगे। तो इसी तरीके से आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सबको ओपन कर सकते हो, और जैसे ही आप एक साथ में बैक आते हो तो यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो में ओपन होता है, जिसके ऊपर टैप करने पर वापस ओपन हो जाता है, और नीचे काफी कमाल की एप्लीकेशन यूज कर पाओगे। तो इसी तरीके से 2-2 एप्लीकेशन एक साथ में यूज कर सकते हो। दोस्तों अब जो मैंने आपको सेटिंग बताने जा रहा हूँ वो तो आपके बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि वो आपके स्मार्टफोन को और आपको और ज्यादा स्मार्ट बनाती है। इस स्मार्टफोन में भी आपको वीवो के सभी स्मार्टफोन की तरह डायनेमिक इफेक्ट मिलता है, लेकिन इसमें कुछ अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद में डायनेमिक इफेक्ट के ऊपर आना है, यहाँ पर आपको एम्बिट लाइट का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आने के बाद में इसको यहाँ पर सिंपली ऑन कर देना है, फिर इनकमिंग कॉल और नोटिफिकेशन दोनों को ऑन कर देना है। अब इसमें होता क्या है, जैसे आपको किसी भी इनकमिंग कॉल आता है या फिर नोटिफिकेशन आता है, तो उसके अंदर ये लाइट एनिमेशन मिलती है, जैसे आपको इनकमिंग कॉल के अंदर ये वाली लाइट मिलेगी जो एज के अंदर चलेगी जब भी आपको किसी का इनकमिंग कॉल आता है। इसके बाद में आपको बैक आना है, और नोटिफिकेशन में तो और मजेदार लाइट मिल जाती है, जैसे यहाँ पर ये विल्यू लाइट हो गई जो कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर ऑन होगी इस तरीके से, जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पर, और फिर आपको अप्लाई कर देना है। अब जब भी किसी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो ये लाइट ऑन होती है, तो और ज्यादा मजेदार बनाती है। फिर आपको आना है बैक, भाई अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है, काफी मजेदार फीचर्स बाकी है। बैक आने के बाद में आपको यहाँ पर मिलता है होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन, तो इसमें जो भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उसमें ऐसे एनिमेशन के साथ में ओपन कर सकते हो, उसको आप चेंज कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर आप फाइनली बता देता हूँ, फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन मिलता है। इस स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जहां पर आप अगर इसको सेट करते हो तो ऐसा एनिमेशन है, लेकिन उसको ब्लू के अंदर इस वाले में चेंज कर सकते हो, जो वीवो का यूनिक फीचर्स है। फिर इसके बाद में आपको बैक आना है, बैक आने के बाद में यहाँ पर फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन, जब भी फिंगरप्रिंट लॉक से अनलॉक करते हो तो ऐसा एनिमेशन मिलेगा, जिसको चेंज करके कुछ इस तरीके से कलरफुल भी बना सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई कर देना, जैसे ये देख सकते हो कितना मजेदार लगेगा। फिर इसके बाद में और भी काफी कमाल के फीचर्स तो मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको आने के बाद में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन मिलता है, अगर स्मार्टफोन के ऊपर आप फेस लॉक लगाकर रखते हो तो इस स्मार्टफोन को फेस लॉक से अनलॉक करने पर लॉक स्क्रीन पर ऐसा लॉक मिलता है, लेकिन इस लॉक को हटाकर आप स्माइल में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर सुबह सुबह यहाँ पर आपको स्माइल मिलेगी, भाई स्मार्टफोन को ऑन करोगे तो कितना मजेदार लगेगा। और इसके बाद में आपको बैक आना है, बैक आने के बाद में यहाँ पर फाइनली आपको मिलता है सबसे नीचे स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन।
इसमें क्या होता है, जैसे मैं स्मार्टफोन को ऑफ करता हूँ तो लाइट इस तरीके से ऑफ, इस तरीके से ऑन होगी इधर से। तो यहाँ पर आप इसको इस बीच वाले के ऊपर टैप करके अप्लाई करोगे तो ये ऑन हो जाएगी। और इसी तरीके से आप अप डाउन भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर ये वाला एनिमेशन है अप्लाई कर दिया, अब इसी स्मार्टफोन को डाउन यहाँ पर लो करोगे तो नीचे की साइड में होगी, फिर ऑन या ऑफ पे। तो है ना कमाल की ट्रिक्स। गाइस मेरे काफी सारे भाइयों के सवाल है, इस स्मार्टफोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर आजकल आपको पता है जब भी कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं किसी से बात कर रहे होते हैं तो उसको पता चल जाता है, क्योंकि उसको अनाउंसमेंट होती है कॉल रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्ट। लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना, ये भी फीचर्स हम बता देंगे। अगर आप ऐसा चाहते हो कि ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कर सकूं या उसको पता नहीं चले जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सिंपली जाने के बाद में आपको आना है, नीचे स्लाइड करना है, एप्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे नीचे आने के बाद में इनेबल अल्टरनेट फोन एंड कॉन्टेक्ट मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऑन कर देना है, फिर ओके करना है, फिर यहाँ पर सेट नाउ कर देना है, फिर आपको जो ये गूगल डायलर है इसको हटाकर ये ग्रीन वाला वीवो का डायलर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप बैक आकर देखोगे वो गूगल डायलर हट चुका है। अब जब भी आप मैनुअली कॉल रिकॉर्डिंग करते हो तो उसको पता नहीं चलेगा जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 3 बटन के ऊपर क्लिक करना है, कॉल सेटिंग के अंदर जा सकोगे, जब सिम डाल सकोगे, सिम डालकर रखोगे, तो मैंने अभी सिम डालकर नहीं रखी है। फिर इसके ऊपर क्लिक करके आपको सिंपली ऑप्शन मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग का, तो उसके अंदर जाकर ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर देनी है। स्मार्टफोन के अंदर आप सेव करते ही फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो, जैसे ऑन हो चुकी है। और भी काफी अमेजिंग फीचर्स बता देता हूँ। सिंपली इसके लिए आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में, यहाँ पर आने के बाद में आपको डायरेक्टली आ गया भाई ये, तो इसके अंदर आना है, फिर यहाँ पर आपको शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है, स्मार्ट मोशन का ऑप्शन मिलेगा, सेट टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में जैसे ही होम स्क्रीन पर जाकर मोबाइल को सेट करते हो तो स्मार्टफोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। एक कमाल की चीज, फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल का ऑप्शन मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे हम इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल करते हैं तो वहां पर तो अच्छे अच्छे फिल्टर लगा लेते हैं, अगर फोन के ऊपर वीडियो कॉल आ गया या अदर एप्लीकेशन पर वीडियो कॉल आता है, जैसे व्हाट्सएप वगैरह डाउनलोड करके रखोगे तो यहाँ पर उसको भी ऑन कर पाओगे, और ब्यूटी मोड ऑन कर सकते हो वीडियो कॉल के अंदर, जिससे आप अच्छे दिखोगे वीडियो कॉल के अंदर भी। इसमें एक मजेदार ट्रिक्स मिलती है नीचे आने के बाद में, वन हैंडेड मोड। ये क्या काम आता है, जैसे आप कोई भी स्मार्टफोन को यूज कर रहे हो कोई भी स्क्रीन के ऊपर, तो एक हाथ से यूज करने में भाई काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसकी स्क्रीन साइज काफी बड़ी है तो दूसरा हाथ काम में लेना पड़ता है। लेकिन इसको वन हैंडेड यूज करने के लिए आपको इस तरीके से इधर से स्लाइड करके वापस स्लाइड करोगे वन हैंडेड मोड ऑन करने के बाद में, तो स्क्रीन साइज छोटी हो जाएगी और एक हाथ से स्मार्टफोन को आसानी से यूज कर पाओगे। तो इसी तरीके से आप वन हैंडेड मोड को भी ऑप्शन यूज कर पाओगे। इस स्मार्टफोन में आपको सबसे नीचे आना है, सबसे नीचे मिलता है सिस्टम नेविगेशन अबाउट फोन के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करके नीचे के जो बटन है इनको हटा सकते हो, क्योंकि ये बटन वगैरह भाई मुझे तो पसंद नहीं है। इसके बाद में बैक आना है, गेस्चर के ऊपर क्लिक कर देना है, आप देख सकते हो नीचे से सारे बटन हट चुके हैं, और हाइड बॉटम बार पर क्लिक करने पर ये लाइन भी हट जाएगी। अब आप इधर से स्लाइड करके बैक आ सकते हो, इधर से स्लाइड करके बैक आ सकते हो। एक बार आपको फिर से वहीं पर जाना है शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी के अंदर, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है क्विक एक्शन का। इसमें क्या होता है, जैसे इसको ऑन कर देना है, अभी ये है टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, तो इसको मैं रिकॉर्ड ऑडियो या ओपन कैमरा या कोई भी एप्लीकेशन सेट कर सकते हो इसकी जगह पर। जैसे मैं यहाँ पर रिकॉर्ड ऑडियो कर देता हूँ, अब मेरा स्मार्टफोन को मैं लॉक कर देता हूँ, अब जो ये नीचे वाला बटन है इसको प्रेस करके रखूंगा तो मेरे स्मार्टफोन में ऑटोमेटिकली है जो रिकॉर्डिंग वगैरह है वो स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो, है ना गाइज, बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर काफी सारी एप्लीकेशन भी सेट कर सकते हो। ओपन ऐप के अंदर जाना है और यहाँ पर जैसे मैं क्रोम ब्राउजर सेट कर देता हूँ, अब स्मार्टफोन लॉक है तो मैं डायरेक्टली इस बटन को दबाकर रखूंगा और क्रोम ब्राउजर में फटाफट से पहुंच गया। इस स्मार्टफोन में कुछ एप्लीकेशन ऐसी मिलती है जो काम की नहीं हो फिर भी उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं प्री इंस्टॉल ऐप से, और लेकिन यहाँ पर हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स मिलते हैं जिनको डिलीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनको हटाना चाहते हो तो इनके ऊपर टैप करके रखना है, सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्रिएट हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स को डिसेबल कर देना है। जैसे डिसेबल करने के बाद में देखोगे यहाँ से वो दोनों एप्लीकेशन हट चुकी है। अगर स्मार्टफोन को एक हाथ से यूज कर रहे हो तो नोटिफिकेशन ड्रॉअर नीचे लाने के लिए या तो दूसरा हाथ यूज में लेना पड़ता है या फिर कुछ इस तरीके से नीचे ला सकते हो। लेकिन इसमें एक मजेदार सेटिंग मिलती है, होम स्क्रीन पर टैप करके रखना है, मोर सेटिंग के अंदर जाना है, यहाँ पर आपको स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन सेंटर कर देना है। अब जैसे स्मार्टफोन के अंदर आप इधर हल्का सा स्लाइड करोगे एक हाथ से ही तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ऊपर इस तरीके से जा सकता है,
और एक चीज, जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर अपन को बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हुए रहते हैं, अपन उनको गलती से एक साथ में क्लियर ऑल कर दे या फिर इसके अंदर व्हाट्सएप का मैसेज आया हुआ हो और वो अगला डिलीट फॉर एवरीवन कर दे, तो उसका पता लगाना हो तो मैनेज के ऊपर क्लिक करना है, बस एक सेटिंग ऑन कर लेनी है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर जाकर इसको ऑन कर देना है। अब इसके बीच में कोई भी नोटिफिकेशन आओ आपको तो उसको एक साथ में क्लियर ऑल कर देते हो तो फिर भी पता लगा सकते हो, बस नीचे स्वाइप डाउन करना है, हिस्टोरी के ऊपर जाना है और यहाँ पर देख सकते हो आपको सारे नोटिफिकेशन शो हो जाएंगे, कौन कौन सी एप्लीकेशन से आया था और कितनी बजे आया था वो भी बता देगा। तो गाइज ये थे इस स्मार्टफोन के मजेदार हिडन फीचर्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी वीडियो किसी और स्मार्टफोन पर चाहते हो तो सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिएगा, मैं वैसी वीडियो उस स्मार्टफोन पर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।